प्रदूषण विभाग के मॉनिटरिंग असिस्टेंट ने लाड़ोरा में बनाए गए वाटर हायर हार्वेस्टिंग प्लांट की जांच की है। एमए सुनील डबराल का कहना है कि इस मामले में नगर पंचायत को नोटिस भेजकर इस पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी। लाड़ोरा में काफ़ी समय से काली मंदिर के पास स्थित बड़े तालाब ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। हाल ही में नगर पंचायत ने इस समस्या को कम करने के लिए करीब 50 लाख रुपये की लागत से वाटर हायर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाया गया था। इसके लिए इसके जरिए जो तालाब है उसका ओवरफ्लो पानी जमीन के अंदर पहुंचाया जाएगा। खानपुर से सुशील कुमार चौधरी की रिपोर्ट। तौसिफ ने बताया कि आपकी जो जोहड़ है इसका जो घरेलू जो पानी है उसको वो लाइन के थ्रू एक टैंक बना रखा है इन्होंने, और ये नगर पंचायत आपकी इसने किया है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चनरी करेंगे उनको, आपका इनसे जवाब मांगा जाएगा कि क्या किस टेक्नोलॉजी के तहत पानी को ग्राउंड में डाला जा रहा है। नगर पंचायत लंडोरा द्वारा प्रस्ताव करके गयो जो तालाब का गंदा पानी है नीचे धरती में उतारने का काम करा जा रहा है, जिससे कस्बे वासियों को बहुत बीमारी होने का खतरा, इससे और हमारे कस्बे में बीमारी बढ़ेगी। प्रदूषण विभाग वाले जांच करने के लिए आए थे, हमने सीएम हेल्पलाइन पे इसकी शिकायत कर रखी और जिला अधिकारी के यहाँ भी करी थी।